वेलकम बैक टू यू हर्ष गेम्स। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर को वापस देने वाला एक और ऑसम शेडर जो कि एकदम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला और एकदम बढ़िया होने वाला, ठीक है। सो गाइस वो किसी भी डिवाइस के अंदर स्मूथली वर्क करने वाला, चाहे हाई एंड डिवाइस हो चाहे एकदम लो एंड डिवाइस हो, वो सबके अंदर विदाउट एनी लैग चलने वाला, ठीक है। सो गाइस यार अगर आपके पास बहुत ज्यादा लो एंड डिवाइस हो, तो गाइस कल की वीडियो के अंदर आपको मैंने एक दिया था 512 एमबी रैम वाला शेडर, ठीक है, उसे डाउनलोड कर सकते हो आप लोग अगर आपके फोन के अंदर लैग करता है, ठीक है। सो गाइज डिस्क्रिप्शन मीडिया पर की लिंक से डाउनलोड कर लेना और फिर प्ले स्टोर से जर्सी वीडियो दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। सो गाइज मैं भी अपना जर्सी ओपन कर लेता हूँ। जर्सी ओपन करने के बाद आप लोग को डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। मैंने यहाँ पे अलग से फोल्डर बना रखा है, आपको इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक और फोल्डर बन के इसे कटिया कॉपी करना है, आपकी इच्छा है। शेडर स्कूडा इसका नाम है, ठीक है। इसे कटिया कॉपी करने के बाद गेम से जाने के बाद कॉमलोड में जाने के बाद रिसोर्सेज पैक में पेस्ट करना है, ठीक है। सो गाइस मैं रिसोर्स में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यानी माइनक्राफ्ट को सिंपली ओपन करने के बाद आप लोग को इसे सिंपली एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे लिखाएगा लोडिंग रिसोर्सेज पैक। अभी ये कैसी आवाज़ है मुझे नहीं पता, पर हाँ लोडिंग रिसोर्सेज पैक लिखा आएगा और फिर यहाँ पे 2 से 4 सेकंड का वेट करना है और अपना कोई भी वर्ल्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो भाई टेक्सचर की क्वालिटी मतलब कि एकदम बढ़िया है। आसमान है गाइस, जो अब सूरज है या फिर कलर सन है वो एकदम बढ़िया है, गोला डब्बे जैसा तो नहीं है। और ये देखो भाई हर एक चीज़ के जो टेक्सचर है एकदम बढ़िया लग रहे हैं मेरे को तो, और तुम लोग भी खुद से देख सकते हो। और सैंड वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा तक बढ़िया है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये शेडर। और बस यार यही थी आज की वीडियो। वीडियो चले गए जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Let's go. मैं पागल तक के मैं कुत्ता को खता दूंगा, पबजी खिला दूंगा, नाच के दिखा दूंगा, मजे करा दूंगा, नशे करा दूंगा, सबको हिला दूंगा।